श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जैसे कि सावन महीना आने ही वाला है और भगवान शिव का अति प्रिय महीना है सावन का महीना। सावन के महीने के कुछ उपाय हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी पिछली कथाओं में वर्णन किया था। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं पिछली कथाओं से जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने पहली महत्वपूर्ण चीज़ ये बताई है कि स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि जब हम मंदिर जाते हैं, एक लोटा जल लेकर जाते हैं और घी और बाती की डब्बी भी साथ लेकर जाते हैं कि हम वहीं के वहीं दिया भी लगा देंगे मंदिर में। पर मंदिर के दिए में ही आप अपनी घी और बाती लगाते हैं तो उसका पुण्य उसके खाते में जाता है जिसका वो दिया होता है। वो पुण्य आपके खाते में नहीं जाता है, भले ही घी और बाती आपकी हो, पर जो दिया जिसका होता है उसके खाते में वो पुण्य चला जाता है। तो आपसे निवेदन है कि एक दिया पहले आप मंदिर में दान कर दीजिए और फिर साल भर उसमें बाती लगा सकते हैं। और सबसे बढ़िया है कि घर से ही आप आटे का दिया लेकर जाइए। मंदिर में दिया लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगली दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी है कि सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जरूर करना चाहिए। यदि आप रोज नहीं कर सकते तो सावन के महीने की जो शिवरात्रि का दिन होता है उस दिन आप जरूर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए। कई लोग थाली में डायरेक्ट शिवलिंग का निर्माण कर देते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। माता पार्वती के हस्त कमल के साथ शिवलिंग का निर्माण करें और बेलपत्री के ऊपर शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, या जिस थाली में आप बनाते हो रखते हो तो उसके नीचे सबसे पहले एक बेलपत्र रखिए और फिर शिवलिंग रखिए, तब वो पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है। भोलेनाथ उसे स्वीकार जरूर करते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी गुरुजी ने बताई है कि जब आप रोज घर में पूजा करते हैं, सारे भगवान एक साथ रखे होते हैं और एक साथ आप नहला देते हैं एक पात्र में, और वो जो जल इकट्ठा होता है, उनका नहलाया हुआ जो जल होता है, आप तुलसी के क्यारे में डाल देते हैं तो उससे भी दोष लगता है, कालसर्प दोष लगता है। वो जल आप तुलसी के क्यारे में भूलकर भी ना डालें, आप दूसरे बगीचे में या दूसरे कोई पौधे हो, पेड़ हो, आप उसमें डाल सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी और वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।